नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओमकश्यप। कांग्रेस और बीजेपी में रैलियों के जरिए एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा है। बीते दिन सोनिया गांधी ने कर्नाटक के गुलबर्गा से बीजेपी के पीएम उम्मीदवार पर निशाना साधा था, तो आज नरेंद्र मोदी ने जवाब किस तरह से दिया है, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसे तत्वों को आप कभी कामयाब नहीं होने देंगे जो जहर की खेती करते हैं, जो समाज को बांटने की राजनीति करते हैं, जो सेक्युलर मूल्यों पर विश्वास नहीं करते हैं और जो हिंसा भड़काने की राजनीति करते हैं। कुछ दिन पहले जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन था और वहां श्रीमान राहुल गांधी ने कहा था कि वो सुबह जल्दी जल्दी उठ करके अपनी मम्मी के कमरे में गए थे, मम्मी से मिले थे, तो मम्मी ने कहा था कि बेटा सत्ता जहर होती है, कहा था ना। मैडम सोनिया जी ने राहुल जी को कहा था ना कि सत्ता जहर होती है, कहा था। आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा सत्ता पर कौन रहा देश में पिछले 60 साल में? सबसे ज्यादा सत्ता पर कौन रहा? अगर सत्ता जहर है तो सबसे ज्यादा ये जहर चखने का काम किसने किया? ये किसके पेट में जहर गया? किसका पेट जहर से भरा पड़ा है? ये जहर कौन उगल रहा है? ये जहर की फसल कौन काट रहा है? ये जहर कौन बो रहा है?